गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th चैप्टर 12 संस्कृत, चैप्टर नेम कह रक्षति, कह रक्षितः, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षा करने के योग्य है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभव गृहात निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म ऋतु मतलब वर्षा ऋतु में, सायंकाले सॉरी ग्रीष्म ऋतु वर्षा नहीं, ग्रीष्म मीन्स गर्मी की ऋतु। ठीक है, गर्मी के समय में सायंकाले इवनिंग टाइम विद्युत अभाव है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक, लाइट के अभाव में प्रचंड अत्यधिक ज्यादा, ठीक है, अधिक बहुत अधिक ऊष्मणा, ऊष्मीष गर्मी, ठीक, बहुत ज्यादा गर्मी से पीड़ित होकर के, दुखित होकर के वैभव ग्रहात निष्क्रामति, ग्रहात मीन्स घर से, निष्क्रामति मीन्स निकल आया, वैभव, वैभव कह रहा अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपी त्वमपि, क्या तुम भी, है ना, तुम भी विद्युत भावेन, विद्युत के अभाव में बिना लाइट के पीड़िता, पीड़ित होकर के बहिरागता बाहर आए हो। परमिंदर, परमिंदर क्या बोलता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडा तपकालः अन्यतश्च, एकता, एक तो प्रचंड अत्यधिक तपकाल, अत्यधिक गर्मी है, अन्यतश्च इसके अलावा विद्युत भाव, लाइट भी नहीं है, ठीक है, लाइट का अभाव है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिजली का अभाव है। परम, लेकिन बहिरागत्यापि, लेकिन बाहर जाने पर भी, पश्याम्यत देखते हैं कि, ठीक है, वायु वेगः तु, वायु का जो वेग, हवा का जो बहाव है, तो सर्वथा अवरुद्ध, बिल्कुल रुका हुआ है। ठीक है, तो अपने मित्र से कहता कि एक तो गर्मी का इतना प्रभाव है, ऊपर से बिजली भी नहीं है, और बाहर आकर के मैंने देखा तो यहाँ पर जो वायु का प्रभाव है भी बिल्कुल रुका हुआ है। ठीक है, सत्यमोक्तम, सत्य ही कहा गया है, प्राणिति पवनीन जगत सकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी। ठीक है, क्षणम पिना जीव्यते नेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवन प्राणिति। ठीक है, प्राणों को देने वाली पवनेन, वायु, हवा, जगतः सकलम, संपूर्ण जगत के लिए, सारे संसार के लिए, सृष्टि निकला चैतन्यमयी, समस्त सृष्टि प्राणवान है। ठीक है, सत्य ही कहा गया, हवा के कारण जीवन देने वाली पवन से सारा संसार, सारी सृष्टि चैतन्यमयी है। ठीक है, मतलब प्राणवान है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवना, क्षणमपि, इसके बिना एक क्षण भी जी नहीं सकते, ठीक है, जीवन नहीं है। सर्वातिशायी सबसे अधिक मूल्य पवन का है, हवा का है। ठीक है, फिर विनया, अरे मित्र, शरीरात न केवलम, शरीर से न केवल, स्वेद बिंदु, स्वेद मीन्स क्या होता है, पसीना, बूंद मीन्स बूंदे, तो ठीक है, न केवल पसीने की बूंदे, साथ ही, अपि तुमीन, साथ ही, स्वेद धारा, पसीने की धारा, इव ही, प्रस्रवंती, बह रही है, स्मृति पथ मायाती, स्मृति पथ मायाती, मेरी स्मृति में एक बात याद आ रही, शुक्ल महोदय रचितम श्लोका, एक शुक्ल महोदय जी की श्लोक याद आ रहा, ठीक है, मुझे सीधा सा, तो अब श्लोक आता है, विनय तप्तैर वाता घातै रवितुम लोकान नभसि मेघा आरक्ष विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तैर,
तप, गर्मी के तप से, ठीक है। वायु की आघात, मतलब गर्म वायु के आघात से या वायु के आघात से तपते हुए लोगों के। आकाश नभस मेघा, आकाश में जो मेघ हैं वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे पुलिस विभाग, आरक्षक मीन्स पुलिस विभाग के लोग, जना मीन्स लोग। इव समय नैव दृश्यन्ते, समय पर दिखाई नहीं देते, वैसे ही इस गर्मी में बादल भी आकाश में दिखाई नहीं देते। कैसे नहीं दिखाई देते? जैसे पुलिस विभाग समय में उपस्थित नहीं होते, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। परमिंदर आम, हाँ अद्य तू वस्तुता, आज तू वस्तुता है, आज तो है ना, लेकिन वास्तव में ही निदाघ ताप तप्तस्य, गर्मी के तपते रहने से, याद ही तालु ही शुष्कता, जो तालु है वह भी आज सूख गई है, शुष्कता को प्राप्त है। पुंशो भयार्ति दस्यैव स्वेद वज्जायते वपुः, भयभीत मनुष्य, पुंसो भया, भय मीन्स भय, डर के कारण, जैसे मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य के शरीर समान शरीर से पसीना निकलने लगता है, वैसे आज गर्मी के प्रभाव से पसीना निकल रहा है। जोसेफ, जोसेफ कहता मित्राणी यत्र तत्र, यहाँ वहां मित्र, यहाँ वहां, बहुभूमिक भवनानाम, बहुत सारी भूमियों में बहुमंजिला भवन है, भूमिगत मार्गानाम, भूमिगत रास्ते हैं, विशेषतः मेट्रो मार्गानाम, विशेषतः मेट्रो का रास्ता है ना, और उपरिगमी सेतु तेरा, है ना, ऊर्ध्वगामी पुल है, ऊपर बने हुए पुल है, मार्ग इत्यादीनाम, रास्ते आदि के निर्माण में, वृक्षा कर्त्यन्ते, वृक्षों को काट दिया जाता है, ठीक है, वृक्षों को काटते हैं। तरही अन्यत किम पेक्षते अस्माभिः, तो हम अब क्या अपेक्षा कर सकते हैं, वयम तो विस्मृत पंतः, हमें तो भूल ही गए हैं, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहीन दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलं यथा, एक सूखा वृक्ष जलने से सारे वन को नष्ट कर सकता है, कैसे, जैसे कुपुत्रेण कुलं यथा, एक कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आगे परमिंदर बोलता है आम, हाँ एतत अपि सर्वथा सत्यम, यह भी हमेशा सत्य है, आगक्षन्तु नदी तीरं गच्छामः, चलो चलते हैं नदी के किनारे, तत्र चेत कांचित शांतिं प्राप्तुं शक्ष्यमः, वहां जाकर कुछ शांति प्राप्त करेंगे। नदी तीरं गन्तु कामः, नदी के किनारे जाने को उत्सुक हुए बाला, यत्र तत्र यहाँ वहां, अवकरम भंडारा, अवकर मीन्स कूड़ा करकट, भंडार मीन्स उनको समूह, कूड़े करकट का समूह देखा, दृष्टवा मीन्स देखा, वार्तालापम कुर्वन्ति, और कहने लगे, बात आपस में बातचीत करने लगे। जोसेफ, जोसेफ कहता पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत चावकरम, यहाँ वहां प्लास्टिक झोले आदि, अन्यत चावकर कूड़ा आदि प्रक्षिप्त मस्ति पड़ा हुआ है, कथ्यते यत, कहा गया है, कहते हैं स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, है ना, स्वस्थता से स्वच्छता स्वास्थ्यकर है, पर वयम तो, पर हम तो शिक्षिता अपि शिक्षित होकर भी अशिक्षित इवाचरण, अशिक्षित जैसे आचरण करते हैं। अनेन प्रकार, इस प्रकार से वैभव बोलता है ग्रहाणि तो स्माभिः, हमारा घर तो रोज साफ रहता है, नित्यम मीन्स प्रतिदिन साफ रहता है, परम किमर्थम स्वपर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यानम न देते, परंतु हम अपने पर्यावरण, स्वपर्यावरण, अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद वैभव विनय कहता पश्य पश्य उपरिता इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यन्ते, देखो देखो उपरिता ऊपर से, इदानीम अभी अभी इस समय भी, अवकरः मीन्स कूड़ा करकट, मार्गे मीन्स रास्ते में, क्षिप्यन्ते मीन्स फेंका गया, है ना। आहु महोदये, बुला करके बोला महोदय कृपां करो, हमारे ऊपर कृपा करिए, मार्गे भ्रमद्भ्यः, हम रास्ते मार्ग में भ्रमण करने वालों पर, एतत्तु सर्वथा शोभनम कृतम, यह तो बिल्कुल
अशोभनो कृत्य है, शोभनीय काम है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हमारे समान बालको भवती सदृशै एव संस्कार देया, आपके जैसे लोगों को संस्कार दें, ये अनुचित है। रोजलिन, रोजलिन फिर कहता है आम पुत्र, हाँ 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 पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, हाँ आप हमेशा सत्य कहते हैं, क्षम्यता मुझे क्षमा कीजिए, इदानीम मे ववगक्षामि, मैं अभी जा करके और इस कूड़े करकट को वापस लेता हूँ। रोजलिन आगत, रोजलिन आकर के बालई साखम बालकों के साथ स्वक्षिप्त अवकरम कूड़े करकट को लेकर के मार्ग को साफ कर दिया। विकीर्ण अन्यदरम चापी संग्रह्य अवकर कंडोले पात्यति, उसका संग्रहण करके कूड़े करकट का और अवकर कंडोले में डस्टबिन में जाकर के पात्यति, गिरा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे बाला है ना, बाला एमेव जागरूकतया ए प्रधानमंत्री महोदयानाम स्वच्छताभियानमपि गतिम प्राप्स्यति, ऐसे ही जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छता अभियान भी गति दी थी, है ना। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो यहाँ धेनु एक गाय, साक फलानाम आवरण, साक सब्जी फल आदि के जो छिलके आदि हैं, साथ में प्लास्टिक का झोला भी अपी खा रही है। यथा कथंचित निवारण या ऐसा, यह कैसे इसका निवारण किया जाए, है ना। मार्गे रास्ते में कदली फल विक्रेता, केला बेचने वाले से दृष्टवा देख करके बाला उन बालकों ने कदली फलानी केले के फलादि क्रीतवा खरीद करके धेनुम आवाहयति, जहाँ गाय आदि जानवरों को बुलाया भोजयन्ति और भोजन कराया। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि, रास्ते से प्लास्टिक के झोले आदि चाप सार्य पीहते लेकर के और अब कर कंडोले क्षिपन्ति, डस्टबिन में जाकर के डाल दिया, ठीक है कूड़ादान में डाल दिया। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवात्, प्लास्टिक मृत्तिका मीन्स मिट्टी को लया भवात् नष्ट कर देती है, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान होता है। ठीक है, पूर्वम तो कार्पासेन, पहले तो कपास, चर्मणा चमड़े, लौहेन लोहा, लाक्षया लाख, मृत्तिकाया मिट्टी, काष्ठेन लकड़ी, वा निर्मितानि से निर्मित वस्तूनि, वस्तुओं का ये प्राप्यन्ते इसमें मिलते थे, अधुना इस समय तत्स्थाने अब इसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बने वस्तूनि प्राप्यन्ते, वस्तुएं मिलती हैं। वैभव बोला आम घट्टी पट्टी का, हाँ घड़ी के पट्टी आदि, अन्यानि बहुविधानि और अन्य बहुत सारे पात्र आदि भी, कलम इत्यादि सर्वाणी, कलम इत्यादि पेन आदि सब ये प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। जोसेफ हाँ अस्माभि पित्रो शिक्षकाणाम, हमें अपने हमारे माता पिता को शिक्षकाणाम शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस से प्लास्टिक के विषय में विविध पक्षा विचार, विविध पक्षों को रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, पर्यावरण अनुसार पर्यावरण के साथ पशुवा अपि रक्षणीया, पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। एव मेवाल पंता सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, यही बात करते हुए सभी नदी तीर नदी के किनारे पहुंचे, नदी जले निमज्जिता और नदी के जल में डुबकी लगाया, भवन्ति गायन्ति च और गाने लगे। सुपर्यावरणे नास्ति जगता सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभवा संभवो भुवि, ठीक है मतलब मित्र अच्छे पर्यावरण से, सु मीन सुंदर पर्यावरण से ही यह संसार की अच्छी स्थिति है। जगति जायमानं संभवा, संसार में जन्म लेने वाले धरती पर अनुकूलन के लिए हैं। ठीक है, सर्वे सभी ने बोला अतीव आनंद प्रदोयम जल विहार, जल विहार करके अति आनंद आया या अति आनंद को प्रदान करने वाला। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट।